देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। नाबालिग के साथ दो युवकों ने किया दुष्कर्म, दी जान से मारने की धमकी, आरोपी फरार। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत थनगौर गांव में एक नाबालिग 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म की घटना सामने आई। मामला इसलिए संगीन है क्योंकि इस नाबालिग को दो युवकों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। भयभीत परिजन पुलिस के पास नहीं गए बल्कि नाबालिग को ही मामा के यहाँ भेज दिया। हवस में अंधे ये युवक वहां भी पहुंच गए और उसका अपहरण करने का प्रयास किया। परिजनों के आ जाने से उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन इसके बाद सारी घटना पुलिस के समक्ष पहुंच गई। फिर क्या था, पुलिस ने पीड़िता व परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। मामला संज्ञान में आने पर तेंदुखेड़ा SDOP अशोक चौरसिया के निर्देशन पर तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी सुषमा श्रीवास्तव ने घटना के आरोपियों की नामजद रिपोर्ट दर्ज कर धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी है। मेरी बच्ची के साथ ये हुआ कि गोविंद और उसने बलात्कार किया। अच्छा, पूर्व से कितने समय से हो रही थी उसके साथ ये घटना, उसने जानकारी आपको दी थी? परी 15 दिन पहले बात भाई थी, तो बात दबा ली गई घर पर। फिर आप लोगों ने क्यों उस समय मामला दर्ज नहीं कराया? इसलिए नहीं कराया है कि उनकी बातें तब ज़्यादा ज़्यादा वो नहीं हो पा रहे, उन लोगों ने दबा लिया कि अपनी जगह। अच्छा, वो राजी हो गए थे। फिर आगे आप लोगों ने क्या किया? आगे फिर कल के दिन वही घटना फिर आ गई। अच्छा, आपकी बच्ची के साथ कब से, लगभग कब से ये घटनाक्रम हो रहा था, कब से यौन शोषण किया जा रहा था? 15-20 दिन। चलिए, आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई? हो रही है सर, अभी हुई नहीं है लेकिन हो रही है। ठीक है, इस पर आगे आप क्या चाहते हैं? हमको तो नहीं आ चाहिए। अच्छा, कौन कौन आरोपी संलिप्त हैं? आरोपी गोविंद। अभी तक क्या कार्रवाई की है इसमें? अभी इनकी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। लड़की जो है धनगौर की रहने वाली है, तो धनगौर में इसके साथ करीब 15 दिन पूर्व एक व्यक्ति ने, ये राजकुमार पाल ने, इसके साथ बलात्कार किया इसके घर पे। इसके माता पिता तीन हैं, वो खेत गए, तो 15 दिन पहले राजकुमार पाल ने किया और फिर करीब 8 दिन बाद 30 तारीख को ये गोविंद पाटकर ने इसके साथ वही घटना फिर से दोहराई। उसके बाद इसके मामा आए इसको लेने के लिए, तो माता पिता ने मामा के साथ इसको मामा के यहाँ भेज दिया भाटखमरिया। तो भाटखमरिया में कल ये दोनों लड़के फिर पहुँचे मोटरसाइकिल लेके अपने, तो वहाँ ये लोग शाम को जब लेटरिंग से ये और इसकी भाभी वापस आ रहे थे, उस समय इसका हाथ पकड़ के और ज़बरदस्ती गाड़ी की तरफ खींचने लगे कि हम तुम्हें अपने साथ ले चलते हैं। तो इसकी भाभी ने और इसने जब ये चिल्लाई तो इनके मामा चाचा भाई वगैरह जो हैं सब दौड़े और बीच बचाव किया, तो वो दोनों जन लड़के वहाँ से भाग गए। तो अभी इनकी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, मेडिकल करवाया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई।